असलामुअलैकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, जैसे कि एग्जाम अब आपके बहुत करीब आ चुके हैं, रिजल्ट तो आपका नहीं आया लेकिन आपके एग्जाम दिन ब दिन करीब आते जा रहे हैं, तो इस मौके पे आपको इस टाइम हम वो गेस्ट पेपर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जो कि 100% तो नहीं लेकिन 99% इम्पोर्टेंट आपके पेपर्स में है। गेस्ट पेपर दो तीन किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जिसमें पायदारी होती है, तो आज का गेस्ट पेपर वो है जिसमें आप काफी सेफ रहेंगे, क्वेश्चन जरा ज्यादा होंगे लेकिन आप 100% नहीं तो 99% आप इंशाल्लाह पेपर को अच्छा कर सकेंगे। इस सिलसिले में आज आपको हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और उसके बाद एग्जाम के करीब जो है वो आपको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि आपके जो चॉइस के अलावा क्वेश्चन है जिसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क होगा तो वो एग्जाम से पहले हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आज से आपने इरादा करना है कि स्टार्ट करते हैं ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और याद रखेंगे नई बुक है लेकिन 80% वही पुराने क्वेश्चन हैं या थोड़ा बहुत उसके अंदर तब्दीली की गई है, तो स्टार्ट करें फिर आ जाए हमारे साथ। लेकिन अभी हम वो इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइम काफी ज्यादा है, अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप फायदे में रहेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपका एक सॉफ्टवेयर है जिससे रिलेटेड इन्होंने कुछ बातें दी हुई है, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर एक वो वाला मुयसर होता है जिसके अंदर वो फंक्शन ऑलरेडी मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से चैप्टर्स था कि हम जो काम करते हैं अगर हम उसे देखना चाहें तो हम देख भी सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर आपको नंबर 3, 4, 5 और 6 यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो कि आपको कर लेना चाहिए है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिकली ये लिमिट्स से रिलेटेड है और लिमिट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका लाजमी आता है और साथ में एक और आने के भी चांसेस है लेकिन लाजमी होगा। और कौन कौन से क्वेश्चंस कर लें, 2.1 जैसे कि लिखा 3, 4, 5, 6 कर लें, और क्वेश्चन नंबर 6 का 5-2 ऑल पार्ट्स कर लें तो बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो 6-9 थोड़े से इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 5-14 कर लें तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। और एक्सरसाइज 2.4 की बात की जाए तो 2.4 से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। अब देखा जाए तो सिर्फ इसमें 1 और 4 ही छोड़ा गया, अगर वो भी आप कर लें तो बुरी बात नहीं है। और आपकी जो रिवाइज वाली एक्सरसाइज है उसमें नंबर 4, 11, 12, 14 के 6 और 7 दोनों के पार्ट्स के इम्कान बन रहे हैं। अच्छा, आप चैप्टर नंबर यानी कि आपका 3 की बात करें तो 3 में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लें, लेकिन याद रखें कि 3 चैप्टर जो है आपका इससे शॉर्टली अगर बात की जाए तो कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कन्फर्म 2 क्वेश्चन तो शॉर्ट के आएंगे और एक लॉन्ग का बन सकता है, और अगर एक लॉन्ग का ना बना तो फिर आपके 3 शॉर्ट भी यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से देखा जाए तो मतलब कि आपके 3 क्वेश्चंस यहां से आने हैं, और जैसे कि 3.1 का मैंने बता दिया, बाकी 3.2 में भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के 8, 9, 10 ये पार्ट्स चूंकि आते रहे और इनके आने के चांसेस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरी एडवाइस है ऑल करने तो बेहतर है। 3.4 यानी 3.3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे 3.4 के अंदर 5-12 कर लें, 13 कर लें, 13 का सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 को देख लीजिएगा, 14-15 दोनों कर लीजिएगा। 3.5 की बात चलती है तो क्वेश्चन नंबर 1 के मतलब 10-12 ये पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट, और 2 का 4-7 यानी कि 4-7 आप यानी कि 4-5-6-7 ये कर लीजिएगा। 4 और 5 क्वेश्चन अलग से दिया, ये तो बहुत ही यानी कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पेपर में। और 3.6 की बात की जाए तो 1 और 2 जो है इससे रिलेटेड जो है वो इम्कान है, लेकिन 3 चैप्टर बेसिकली जो है वो जब मैं बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें टाइप वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरी वीडियोस के अंदर आपने चूंकि 3.4 तक मैंने सॉल्व की हुई है, इससे मुताबिक 2 चैनल्स हैं हमारे, एक शायद कॉन्सेप्ट अकेडमी जिसमें आप वीडियोज देख रहे हैं, और एक शायद अब्दुल मजीद है, उसके ऊपर हमने कुछ ब्लॉगिंग कर डाली है, जरा अपनी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए घूमना फिरना शुरू किया हुआ है, कुछ सारा टफरी के ब्लॉग है, लेकिन जो लॉन्ग वीडियोज है ना मतलब के 3.1 पूरी की पूरी, 3.2 भी मतलब फुल एक्सरसाइज है उसके ऊपर भी डाली है, तो उसे विजिट करें, वहां जाएं, सब्सक्राइब करें तो वहां पे भी देखें, थोड़ा सा सैर तफरी को भी देखें। कराची से अगर बाहर है तो उनसे मैं कहता हूँ कि कराची को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा, अब आ चुका है चैप्टर नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक कर लें, और एक्सरसाइज 4.2 है तो क्वेश्चन नंबर 1 के मतलब 10-12 और 2 क्वेश्चन 4-6
और क्वेश्चन नंबर, या मैंने अगेन बोल दिया होगा टू गालिबन, ये हो सकता है कि इसको देखना पड़ेगा, इसको चेक कर लीजिएगा, थ्री भी हो सकता है ये क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में मौजूद है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है मैंने लिखा है तो हो सकता है कि टू को मैंने गलती से लिख दिया हो। 4.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 to 6 है, और याद है कि आपका चैप्टर नंबर 3, 4 और आगे 5 आएगा, ये सारा और सारा डेरिवेटिव के ऊपर है, और यहाँ से भी देखा जाए तो देखो यहाँ से लॉन्ग भी बन सकता है एक, और एक शॉर्ट भी बन सकता है, यानी कि इसमें से दो क्वेश्चन का चांस है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद हम नंबर यूनिट नंबर यानी चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं, तो 5 चैप्टर्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि आपकी एक्सरसाइज जो 5.1 है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखा कि अक्सर पेपर में आने के चांसेस होते हैं, और 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक कर लें, चूंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से ये है कि एक आज आपका शॉर्ट बन सकता है और आप इससे लाजमी फायदा उठाएं, और जो आपकी रिविजन एक्सरसाइज है उसमें 5, 6, 7, 8 भी कर लें तो पक्का काम हो जाएगा आपका। और फिर एक दफा मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3 से लेकर 5 तक ये डेरिवेटिव के ऊपर है, अगर आप डेरिवेटिव के सारे चैप्टर्स करें तो मेरे ख्याल से आपके 4-5 क्वेश्चन लाजमी तौर पे आपके शॉर्ट से बन जाएंगे, और लॉन्ग से भी आपके दो तक तो लाजमी बनेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से जिससे काफी लोग घबराते हैं, लेकिन याद रखें इंटीग्रेशन इतना ही आसान रहेगा। 6.2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कर दीजिएगा, और याद रखिए चैप्टर नंबर 3 और 4 हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी सॉल्व किया हुआ है, उसका फायदा उठाएं, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, अगर प्रॉब्लम हो तो हमें एडवाइस दें कि आप किस तरह पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने शॉर्ट वीडियोस बनाई है, ज्यादा बड़ा उसमें काम नहीं किया। तो 6.2 भी जैसे आपको अब नजर भी आ रहा है, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और साथ में मैं सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस और इससे मुताबिक बातें बता रहा हूँ। 6.3 में अगर देखा जाए तो मतलब ऊपर सब लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और आप 9 कर लो, और फिर 9 to 14 कर लो, क्वेश्चन 5 को करो, 9 to 14 भी कर लो। 6.4 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जो 7, 8 है ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप 6 के आगे ऑल कर लो तो मेरी राय के अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो 7, 8, 9, क्योंकि बाल क्वेश्चन जो है वो काफी छोटे होते हैं, और छोटे क्वेश्चन के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो यानी कि जो 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाए वो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की भी बात की है कि आप इसमें 5 वाला कर लो और 7 वाला कर लो, और उसके बाद एक्सरसाइज 6.5 में 6 to 12 कर लो तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के 7, 9, 10 और क्वेश्चन 5, 7 ये दोनों आप, और 8 के मतलब 3 और 4 पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नजर आता है। एक्सरसाइज 6.7 की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, और ये यहाँ तक आपके पेपर्स के अंदर कम से कम आपके 5 क्वेश्चन शॉर्ट के लाजमी तौर पर बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं, और 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग के यहाँ से बन जाते हैं, और इससे आगे का जो सिलसिला है वो फिर सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि बकिया वहां से बनने के चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह आधा इंपॉर्टेंट हमने अभी बता दिया, आधा इंपॉर्टेंट हम बाद में बता दें। तो इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।